चल रही है, सोनाली कुलकर्णी ने कहा है कि इंडियन वुमेन आर लेजी, आप क्या कहना चाहोगे? नो, इंडियन वुमेन आर नॉट लेजी. लेट्स स्टार्ट विद दैट. It's very disrespectful any person to say that. I don't know who this person is, but we cannot say that. Not to any Indian women, no. बहुत काम करती है यार. हम लोग घर पे काम करती हैं, बाहर काम करती हैं, बच्चे संभालती हैं. सबसे ज़्यादा एक्टिव आई थिंक इंडियन वेमेन है. एक्सट्रीमली एक्टिव. जस्ट बिकॉज इट्स नॉट आई डोंट नो इट्स नॉट I think someone is body shaming them, not calling them lazy. So let's be clear about that. जहाँ body shaming की बात आती है, हाल ही में हमने सुना है रणबीर कपूर के इंटरव्यू में उर्फी के रिलेटेड उन्होंने कुछ अपनी टिप्पणियाँ दी है. आपका इस पे क्या कहना है कि What did he say? Like dressing related उन्होंने कुछ कहा है, उसके ऊपर मैं आपसे जानना चाहूँगी. क्या लगता है कहीं ना कहीं बॉलीवुड को अगर कहीं फेम नहीं मिलता है, हाईलाइट नहीं होते, तो क्या इन सब? हाँ, तो लोग करते हैं ना, जो भी इनको जो करना है करते रहते हैं. हम सब करते रहते हैं. प्रॉब्लम क्या है? देयर इज नो प्रॉब्लम. नेगेटिव कमेंट्स, व्हाट आर यू, व्हाट इज नेगेटिव, व्हाट इज पॉजिटिव, टेल मी. अगर आपके बारे सी, इट्स अ वे यू डील विद इट इन टुडेज वर्ल्ड. इफ a big superstar like Rajinikanth sir, you know, even he gets everyone know on this planet. So aur hum to bahut harkatein karte hi hain. Waise humne kuch punya ka kaam nahi kiya yahan pe na, to hum bhi troll hone ka kaam karte hain na. So let's be clear about that, you know. So we all are different personalities and we all do our own thing. So let's just accept the fact, you know. Everybody is doing everything to get trolled and to get publicity. So let's lastly, be honest about that. All, है ना? Lastly, सभी को आप क्या कहना चाहेंगे, जितने भी आपके fans हैं? Thank you. Wish to God. For loving me.